students, welcome to Shri Siddh Vidyapeeth School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to start your English chapter 1 after 20 years. So students, we are going to read the lesson thoroughly, and in this story after 20 years we are going to read about the relationships. This story is written by O. Henry, an American writer. So students, you can follow your prescribed textbook for better understanding. So let's start the chapter. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual, not for show, for spectators were few. एक पुलिसमैन था जो वो पेट्रोलिंग कर रहा था. वो पेट्रोलिंग यूजुअल था, वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट, बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल नाइट टी पीपल द स्ट्रीट्स. टाइम कुछ रात के 10 बज रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली हो. इस हवा के कारण स्ट्रीट में लोग धीरे धीरे कमने लग गए. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट ट्विलिंग हिज क्लब विद मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मोमेंट्स, टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थोरोफेयर, द ऑफिसर विद हिज स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ द पीस. डोर के सामने एक इंसान अपने कोट के साथ ट्विल कर रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था और ऐसे वैसे हरकत कर रहा था जिसे देख के ये लगता है कि उसे किसी की इंतज़ार हो. तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र उस पर पड़ी और वो पुलिस ऑफिसर एक स्ट्रॉन्ग इंसान लग रहा था जो स्वैग के साथ उस इंसान के सामने चल कर गया. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. Policeman suddenly अपना चाल धीरे कर लेता है और वो डोर के सामने एक डार्क लंबा सा इंसान को देखता है जो अपने मुंह में सिगार पकड़ा हुआ है जो कि अनलाइटेड है, मतलब अभी तक जली नहीं हुई है. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जैसे पुलिसमैन उसके सामने गया, वो इंसान बहुत जल्दी पुलिसमैन से बात करने लग गया. It's all right, officer, he said, reassuringly. वो ऑफिसर से कह रहा है, It's all right, सब ठीक है, मैं बस यूं ही खड़ा हूँ यहाँ. I'm just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए खड़ा हूँ जो 20 साल पहले हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था. Sounds a little funny to you, doesn't it? वो इंसान पुलिस ऑफिसर से कह रहा, थोड़ा फनी लगता है नहीं सुन के. Well, I will explain if you would like to make certain it all straight. मैं आपको समझा सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड है तो. About that, long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's restaurant. बहुत साल के पहले की बात है जब यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी. उस रेस्टोरेंट का नाम है Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago, said the policeman. फिर पुलिसमैन कहे कि 5 साल पहले थी. It was torn down then. अब ये टूट चुकी है, उसे तोड़ दिया गया. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. वो इंसान जो दरवाजे के सामने खड़ा था अपना सिगार जलाया. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. जैसे ही उस सिगार जलते वक्त जो लाइट उस पे उसके फेस पर गिरी, इससे हमें उस इंसान का चेहरा कैसा है पता चलता है. उसका चेहरा एक स्क्वायर जॉट फेस है, एकदम गहरी आंखें हैं, लाइट वाइट स्कार है उसके फेस पर राइट आईब्रो के नीचे. हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट,
और उसके स्कार्फ पिन एक डायमंड का बना हुआ था, जो कि ऑडली सेट है। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. 20 साल पहले यहीं पर ही इसी रेस्टोरेंट में मैं और मेरे फ्रेंड जिमी वेल्स, मेरे बहुत अच्छा दोस्त, हम दोनों यहीं मिले। ही एंड आई वेर रेस्ड हियर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर। वो और मैं यहीं न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं, एकदम भाइयों की तरह। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 ईयर्स का था और जिमी 20 ईयर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग I was to start for the West to make my fortune. और उसके दूसरे दिन मैं वेस्ट की तरफ निकल गया अपने लिए पैसा। The next morning I was start. उसके दूसरे दिन मैं वेस्ट के लिए निकल गया, मैं अपने लिए पैसा कमाने चला गया। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on the earth. Police officer पूछा, अब तुमने Jimmy को साथ नहीं ले गया? तो उसने कहा, उसे New York ही उसके लिए पूरी दुनिया है। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. Well, हमने एक पैक बनाई थी, चाहे जो भी हो जाए 20 साल बाद हम इसी डेट पे और इसी टाइम पे हम यहाँ मिलेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन बोला, वाओ ये तो बहुत अच्छी लग रही है सुन के। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट? क्या तुमने अब तक से नहीं मिला कभी से पहले? Well, yes, for a time we corresponded and said the other. हाँ, हमने मिलने की कोशिश की इससे पहले, but after a year or two we lost track of each other. But साल दो साल बाद हम अपना फिर साल दो साल बाद फिर वो हम मिल नहीं पाए। You see, the West is a pretty big proportion and I kept hustling around over it pretty lively. अब तो जानते ही हैं वेस्ट कितना बड़ा सिटी है, और इसमें मैं अपना बिजी हो गया और अपने अपने जिंदगी में हम लोग बिजी हो गए। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव। पर मुझे पता है जिमी मुझसे मिलने पक्का आएगा अगर वो जिंदा है तो। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट सैंचेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो मेरे लिए वो बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा दोस्त है इस दुनिया का। He will never forget. वो कभी नहीं भूलेगा। I came 1,000 miles to stand in this door tonight. मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं हजारों मीलों चल कर आया हूँ इस रात को इस दरवाजे पे, इसलिए खड़ा हूँ कि मेरा पार्टनर मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। It's worth it if my old partner turns up. अगर वो आ गया तो इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. वो इंसान अपने पॉकेट से एक वॉच निकाला जिसके डायल पर डायमंड्स लगे थे छोटे छोटे। 3 minutes to 10, he announced. उसने कहा, 10 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है। It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. वो ठीक 10 बजे की रात थी जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे इसी रेस्टोरेंट के डोर पर। डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन। सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर इन दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।